जमुई में जीजा कोई दूसरा पासवान में नहीं था, संजय पासवान नहीं था। समस्तीपुर में संभवी चौधरी पार्टी की सदस्य है क्या? इनके जीजा पार्टी के सदस्य भी शायद नहीं है, कहीं पार्टी में देखा भी नहीं गया उनको, पारिवारिक लोग है तो है। संभवी चौधरी पार्टी के प्राथमिक सदस्य भी नहीं है। अशोक चौधरी जी की बेटी है जिसको राजनीति में नहीं देखा गया है, और वो व्यक्ति की बेटी है जिन्होंने इनके विरुद्ध में काम किया जमुई में जाकर के, और एक ही इनका विधायक जीता था 2000 में, उसको भी तोड़ने का काम किया, तो उनकी बेटी को टिक कर। एक कर्जकर्ता के नाम पर बोलते हैं, मैंने कर्जकर्ता, युवा कर्जकर्ता, पढ़ा लिखा कर्जकर्ता को भागलपुर से उठा के नोटिस कर दिया। कर्जकर्ता कैसे हो गया भाई? हम संगठन मंत्री थे, दो बार भागलपुर गए, जिला अध्यक्ष थे, लेकिन उन्हें पार्टी का कोई काम नहीं किया। जब शिकायत लेके गया तो बोले कुछ बुरा फंसा हुआ है, ईडी आईडी पाईडी इनकम टैक्स का कुछ लफड़ा पड़ा हुआ है, क्या सोना उना का लफड़ा है, गोल्ड लोन का कुछ लफड़ा है। जिसने पार्टी की जिलाध्यक्ष पद से रिजाइन दे दिया तो कार्यकर्ता था क्या? बिहार में उसने कहीं घूमने का काम किया क्या? उसको टिकट दी। बीना देवी जिन्होंने पार्टी को तोड़ा, इनके ऊपर आरोप लगाया, जिसके घर में पार्टी की मीटिंग हुई और इनका पार्टी को तोड़ा गया, इनके ऊपर गंभीर आरोप लगाया कि ये टिकट बेचे, पार्टी को बर्बाद कर दिए, और इवेन यहाँ तक आरोप लगाया हमारे श्रद्धेय रामविलास जी की मौत पे भी इन्होंने शंका जताया। वैसे व्यक्ति को इन्होंने टिकट देने का काम किया। घमंड और अहंकार में चूर हो गए, पुराना चिराग पासवान बन गए जिसका हम लोगों को विश्वास नहीं था। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिकन न्यूज, ब्रजेश कुमार के साथ। लोजपा रामविलास के संगठन मंत्री रविंद्र जी हमारे साथ हैं। आज जो है पार्टी आपने छोड़ने का ऐलान भी कर दिया है, कई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई गंभीर आरोप लगाए हैं कि बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट के नारा देने वाले अब जो है वो परिवार फर्स्ट, पैसा फर्स्ट। देखिए, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जो मिशन और विजन जो नारा था, उस नारा पर हम लोग को एक आस्था था। ये नारा नहीं था, ये लगता था हम लोग धरातल पे उतारेंगे चिराग जी के साथ मिल करके, और उसी आशा और उद्देश्य के साथ में, एक आस्था के साथ में चिराग जी के साथ मिलकर हम लोगों ने काम किया। एज ए संगठन मंत्री बिहार का कोना कोना पांच पांच बार घूमे। उस समय भी आरोप लगते थे कि लोजपा में काम करने से क्या मिलेगा, टिकट बेच देंगे, तो हम लोगों ने लोगों को समझाया कि नहीं, ऐसी लोजपा अभी नहीं है, लोजपा रामविलास है जिसका नेतृत्व आज के डेट में चिराग पासवान है। चिराग पासवान बिहारियों के लिए सोच रहे हैं, बिहार के लिए सोच रहे हैं। ये विश्वास हम लोगों ने कर्जकर्ताओं को देने का काम किया, ये विश्वास हम लोगों ने कर्जकर्ताओं को देने का काम किया, और उसी विश्वास पर चिराग जी को आज बिहार का नेता कर्जकर्ताओं के द्वारा, मेहनत के द्वारा बनाया गया, जिसके वजह से इनको पांच पांच सीट मिली। लेकिन सीट मिलने के बाद एक कर्जकर्ताओं से बात करना भी उचित नहीं समझे। हम जैसे संगठन मंत्री से भी बात करना इन्होंने उचित नहीं समझा, जो कर्जकर्ताओं के बीच में रहता था, उनकी भावनाओं को समझने का, क्योंकि तो घमंड और अहंकार में चूर हो गए, पुराना चिराग पासवान बन गए जिसका हम लोगों को विश्वास नहीं था। और उस स्थिति परिस्थिति में इन्होंने जो टिकट दिया आपके सामने हाजीपुर में, खुद वो लड़ना भी था, इन्हीं के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। जमुई में जीजा कोई दूसरा पासवान में नहीं था, संजय पासवान नहीं था। समस्तीपुर में संभवी चौधरी पार्टी की सदस्य है क्या? इनके जीजा पार्टी के सदस्य भी शायद नहीं है, कहीं पार्टी में देखा भी नहीं गया उनको, पारिवारिक लोग है तो है। संभवी चौधरी पार्टी के प्राथमिक सदस्य भी नहीं है। अशोक चौधरी जी की बेटी है जिसको राजनीति में नहीं देखा गया है, और वो व्यक्ति की बेटी है जिन्होंने इनके विरुद्ध में काम किया जमुई में जाकर के, और एक ही इनका विधायक जीता था 2000 में, उसको भी तोड़ने का काम किया, तो उनकी बेटी को टिकट। एक कर्जकर्ता के नाम पर बोलते हैं, मैंने कर्जकर्ता, युवा कर्जकर्ता, पढ़ा लिखा कर्जकर्ता को भागलपुर से उठा के नोटिस कर दिया। कर्जकर्ता कैसे हो गया भाई? हम संगठन मंत्री थे, दो बार भागलपुर गए, वो जिला अध्यक्ष थे, लेकिन उन्हें पार्टी का कोई काम नहीं किया। जब शिकायत लेके गया तो बोले कुछ बुरा फंसा हुआ है, ईडी आईडी पाईडी इनकम टैक्स का कुछ लफड़ा पड़ा हुआ है, क्या सोना उना का लफड़ा है, गोल्ड लोन का कुछ लफड़ा। जिसने पार्टी की जिलाध्यक्ष पद से रिजाइन दे दिया तो कार्यकर्ता था क्या? बिहार में उसने कहीं घूमने का काम किया क्या? उसको टिकट दी। महादलित की बात करते तो संजय रविदास हमारे पार्टी के सदस्यता पर वाली थे, उसको टिकट दे सकते थे।
और सबसे बड़ी बात, बीना देवी जिन्होंने पार्टी को तोड़ा, इनके ऊपर आरोप लगाया, जिसके घर में पार्टी की मीटिंग हुई और इनका पार्टी को तोड़ा गया, इनके ऊपर गंभीर आरोप लगाया कि ये टिकट बेचे, पार्टी को बर्बाद कर दिए, और इवन यहाँ तक आरोप लगाया हमारे श्रद्धेय रामविलास जी की मौत पे भी इन्होंने शंका जताया, वैसे व्यक्ति को इन्होंने टिकट देने का काम किया। तो एक भी कर्जकर्ता को इन्होंने टिकट देने का काम नहीं किया। बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की जो भावना जगी थी, इन्होंने बिहार के कर्जकर्ताओं को बेचने का काम किया, बिहार की जनता की भावनाओं से खेलने का काम किया। इसीलिए हम सब लोगों ने जिम्मेदारी लेते हुए इस पार्टी से रिजाइन दिया। क्या चिराग पासवान जी फिर से आप लोग को बुलाएंगे तो जाइएगा, बात वो तो बनेगी तो वहाँ पे शामिल होइएगा, या फिर उनके विरुद्ध में आपको ऐसा कुछ लगता है क्या? जब राजनीति बिना किसी विचारधारा को हो और सिद्धांत का हो, तो उस दरवाजे पर दोबारा जाने का कोई मतलब है क्या? और हम लोग लालच में राजनीति नहीं करते हैं, बिहार के लिए लड़ रहे हैं, बिहार की जनता के लिए लड़ रहे हैं। हम लोग छोटा मोटा कर्जकर्ता है, कोई बड़ा नेता रहते हैं ना तो जितना मेहनत किए हैं ना, तो बिहार की जनता आज हम लोगों को हाथ पे रखती है। लेकिन जिस तरह से चिराग पासवान को हाजीपुर में भीड़ उमड़ी थी, वो देखने वाला था चिराग पासवान, तो उस भीड़ का जिम्मेदार कौन था? चिराग जी की वजह से आ गया था, भूलभुलैया में है वो। उस भीड़ की जिम्मेदार हमारे हाजीपुर के नेता लोग थे, सामने अजय कुशवाहा जी बैठे हुए, हम हैं और हमारे दो तीन नेता थे जिनके वजह से भीड़ उमड़ी। और राजनीति में भीड़ कैसे आता है नहीं मालूम, मालूम है कि नहीं है? आप लोग को भी मालूम होगा, इनका था क्या? हम लोगों ने जनसलाब पैदा किया था ताकि एनडीए में इनको सीट मिले, सीट, और ही विश्वास था इनको सीट मिलेगा। आप लोग मीडिया में चाहे कुछ भी बोल रहे थे, लेकिन हम लोगों को विश्वास था सीट मिलेगा, मिला जी, मिला। अहंकार आ गया चिराग पासवान को। देखिए, राजनीति खराब चीज नहीं है, पावर इज नॉट बैड, पावर बहुत अच्छी चीज है, लेकिन ये पावर जब कभी अच्छे व्यक्ति के हाथ में जाता है तो उस समाज, उस देश और उस राज्य का उद्धार होता है, और जब पावर किसी गलत व्यक्ति के हाथ में जाता है तो उस समाज, उस राज्य और उस देश का हानि होती है। तो पावर चाहिए, लेकिन पावर चाहिए एक अच्छे व्यक्तित्व के हाथ में, और जो मुझे नहीं लगता कि एक अच्छा व्यक्ति है। क्या आप लोग पार्टी बनाइएगा, किसी पार्टी में शामिल होइएगा? अभी ऐसे कोई अभी ऐसी कोई रणनीति नहीं है, अभी सिर्फ बिहार की जनता, हम कर्जकर्ताओं के पास जाएंगे, उनसे माफ़ी मांगेंगे कि हमने गलती आपके पास में आके कहा था, हमने सोचा था एक अच्छा व्यक्ति है, अच्छा नेता है, लेकिन आज उन्होंने दिखा दिया कि वो कैसे व्यक्ति है, हमें क्षमा करें, हमें माफ़ करें, लेकिन ऐसे व्यक्ति को, ऐसे लोगों को सांसद में नहीं भेजिए, क्योंकि मोदी जी का कैबिनेट को गंदा मत करिए। देखिए, तीसरे चरण ने इंजीनियर रविंद्र कुमार ने कह दिया है साफ तौर पर कि चिराग पासवान को जो है संसद में नहीं भेजने की बातें कही। रिपब्लिकन न्यूज के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।